मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फूडी फूडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा यमी, टेस्टी और सबके मुंह में पानी ला देने वाली ये रेसिपी। ये है हमारे पेड़े की रेसिपी। इसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इसको फटाफट से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इस यमी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा खास बात इस रेसिपी की ये है कि इस रेसिपी को हम बनाएंगे बिना मावा, बिना चाशनी और बिना झंझट के। केवल 10 मिनट में एक प्लेट पेड़े आपके ये बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना हम शुरू करते हैं। शाही मलाई पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये आधा कप शुगर ली है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क। यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाला ही मिल्क लेना है आपको। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर करके देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेली वाइटनर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे आपके पेड़े खींचे खींचे बनेंगे। आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्कीम्ड मिल्क पाउडर, ये भी डाल देंगे हम इसमें। यहाँ पर 2 कप हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से अगर आप पेड़े घर पर बनाते हैं, तो आप बिगनर हैं तो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पेड़े आप झटपट से बना करके तैयार कर पाएंगे। ये देखिए लगातार चलाते हुए हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल लम्स फ्री ये मिक्सचर हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे बिल्कुल धीमी आंच में। अब हमें इसे पकाना है। गैस के ऊपर हमने अपनी कढ़ाई रख ली है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। इसमें लगभग 10 से 5 मिनट लगते हैं। बहुत ही जल्दी मिक्सचर हमारा पक कर के तैयार हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत। लगातार बीच बीच में चलाने का विशेष ध्यान रखिएगा। ये देखिए पहले मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, अभी जब चीनी मेल्ट होगी तो ये हल्का सा पतला लगने लगेगा, लेकिन हमें इसे लगातार चलाना है। इसी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे पेड़े बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी ये कढ़ाई नहीं छोड़ रहा है, थोड़ा सा हमें इसको और पकाना है। ये देखिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमने इसको यहाँ पर पकाया है। यहाँ पर देखिए हम चला करके देख रहे हैं, हमारे मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब मिक्सचर हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और अपने मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। उससे पहले हम एक बार चेक करके देख लेंगे कि मिक्स हमारा तैयार हुआ है या नहीं। उसके लिए मैं थोड़ा सा मिक्स ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हाथों पर एक गोल बना करके देखेंगे, अच्छे से गोल बन रहा है, यानी कि मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। रेसिपी को और भी ज़्यादा यमी बनाने के लिए हम यहाँ पर केवड़ा वाटर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर या केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना इनका इस्तेमाल किए भी ये टेस्टी और यमी पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पर हम केवल 1 से 2 ड्रॉप ये केवड़ा वाटर ले रहे हैं, इसको डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा यमी टेस्ट आता है इससे। अब अपनी रेसिपी को सेट करने के लिए बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे और उसी के ऊपर सारा मिक्सचर हम डाल लेंगे। ये देखिए इस प्रोसेस को आपको गर्मा गर्म ही करना है। हल्का सा मिक्सचर ठंडा हो उसी समय आप इसको निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा मत करिएगा, नहीं तो ये जम जाएगा कढ़ाई में और जो हमारे पेड़े बनेंगे उनकी शेप अच्छी नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा देसी घी हम हाथों पे भी लगा लेंगे और इसको इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बेलन ले रहे हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। इसकी सहायता से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए जितने मोटे पेड़े हमें बनाने हों उसको हम इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ये कुकी कटर। आप चाहें यहाँ पर छोटी कटोरी या कोई बोतल का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। इसे हम अपने पेड़े कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सुंदर पेड़ा बनेगा हमारा। और ये लीजिए बहुत ही जल्दी झटपट से हमारा पेड़ा बन करके तैयार हो चुका है। इसको हम इसे निकाल लेंगे। दोनों साइड में आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है ये। इसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, आसानी से ये निकल आएगा। ये देखिए अब इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को कट कर लेंगे। जो लास्ट में मिक्सचर बचेगा उसको हम दोबारा बेल करके सेट कर लेंगे।
और ये लीजिए सारे पेड़े हमने बना करके फटाफट से तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर कोई भी गार्निशिंग लगा सकते हैं। हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर ये सिल्वर वर्क, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी का सिल्वर वर्क ले रहे हैं। अब इसको हम अपने पेड़ों के ऊपर लगा देंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्कुल राजसी लुक आएगा। इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे और इसको हटा देंगे। और ये लीजिए सारे यम्मी और टेस्टी पेड़े हमने सर्व कर लिए हैं। ये देखिए इतने सारे पेड़े केवल 2 कप दूध से हमारे बनकर के तैयार हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छे देखने में ये लग रहे हैं। अब इनमें से मैं एक पेड़ा आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट मुलायम पेड़े हमारे बने हैं, बिल्कुल भी खिंच नहीं रहे, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल इंडियन फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।